यहाँ चार्जर नहीं मिल रहा और यहाँ अल्ट्रावाइड कैमरा नहीं मिल रहा भाई, ये हाल है इन कंपनी वालों के। पैसा बर्बाद। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे सैमसंग गैलेक्सी A15 5G स्मार्टफोन को OnePlus Nord C 3 Lite स्मार्टफोन के साथ में, और यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि सैमसंग के अंदर हमें 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले दी गई है जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है, और वहीं दूसरी तरफ OnePlus के अंदर हमें 6.72 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वैसे तो दोस्तों डिस्प्ले यहां पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से ना दोनों स्मार्टफोन की एकदम बढ़िया वाली है, लेकिन यार अगर आपको बिल्कुल टॉप लेवल वाली कंटेंट वॉचिंग करनी है ना भाई, तब आप यहां पर डेफिनेटली सैमसंग की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें सुपर AMOLED पैनल मिल रहा भी अच्छी बात है, एकदम बढ़िया वाली कंटेंट वॉचिंग आपको करवा देगा। लेकिन रिफ्रेश रेट के मामले में यहां पर इन्होंने कॉस्ट कटिंग कर दी, क्योंकि सिर्फ 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया है यार। इसलिए दोस्तों अगर आपको 120 हर्ट्ज का हाईर रिफ्रेश रेट चाहिए, तब आप यहां पर डेफिनेटली OnePlus की तरफ ही जरूर से जाइए। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो सैमसंग फोन यहां पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ में आता है जो कि One UI 6 पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ OnePlus का फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में आता है जो कि ऑक्सीजन OS 13.1 पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में यहां पर सैमसंग का फोन ही विनर है, क्योंकि यह फोन हमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ में मिल रहा भी अच्छी बात है। और दोस्तों जो दोनों फोन की UI है ना भाई, फोन चलाने में तो आपको मजा आ जाएगा, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और चिपसेट की अगर हम बात करें तो सैमसंग के अंदर हमें Dimensity 6100 प्लस 5G चिपसेट दिया गया जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ OnePlus के अंदर हमें Snapdragon 695 5G चिपसेट दिया गया जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और आपको बता दूं दोस्तों ये जो दोनों चिपसेट है ना भाई, डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के मामले में एकदम बढ़िया है। और दोस्तों अगर आप इन दोनों फोन्स में से किसी वाले को बाय करना चाहते हैं ना, तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की, तो दोनों फोन्स के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे सैमसंग की, तो इस फोन का मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 5 मेगापिक्सल का, और जो मैक्रो कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ OnePlus फोन का मेन कैमरा है 108 मेगापिक्सल का, मैक्रो कैमरा है 2 मेगापिक्सल का, और जो डेप्थ कैमरा वो भी है 2 मेगापिक्सल का। और आपको बता दूं दोस्तों दोनों फोन्स का जो मेन कैमरा है ना भाई, बढ़िया डिटेलिंग के साथ में फोटोज क्लिक आपकी कर देगा, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी भाई। दोनों फोन्स के कैमरा सैंपल्स आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख ही पा रहे हैं कि कितनी बढ़िया तरीके से दोनों फोन्स के मेन कैमरा ने डिटेलिंग्स को कैप्चर किया है। लेकिन दोस्तों OnePlus के जो बाकी के कैमरा ना, 2 का मैक्रो 2 का डेप्थ, सिर्फ और सिर्फ यूजलेस कैमरा, इसका कोई फायदा नहीं है भाई। OnePlus वाले भी इन यूजलेस कैमरा की जगह पर अल्ट्रा वाइड कैमरा दे सकते थे, लेकिन पैसे बचाने के चक्कर में इन्होंने अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं दिया। इसलिए दोस्तों अगर आपकी मेन प्रायोरिटी अल्ट्रा वाइड कैमरा भी है ना भाई, तब आप यहां पर डेफिनेटली सैमसंग की तरफ ही जरूर से जाइए। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के बैक कैमरा से भी 1080 पिक्सल तक कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा की अगर हम बात करें तो सैमसंग के फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, वहीं दूसरी तरफ OnePlus के फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया। यानी कि दोस्तों सेल्फी लवर के हिसाब से यहां पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया है भाई। दोनों फोन के कैमरा सैंपल्स आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख ही पा रहे हैं कि कितनी बढ़िया तरीके से इन्होंने फ्रंट कैमरा के फोटोज को भी कैप्चर किया है। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन के फ्रंट कैमरा से भी 1080 पिक्सल तक कर सकते हैं। बैटरी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो दोनों फोन यहाँ पर 5000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ में आते हैं, लेकिन फास्ट चार्जिंग में यहाँ पर भाई बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि सैमसंग का फोन सिर्फ 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ OnePlus का फोन 67 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। दोस्तों नो डाउट यार, ज्यादा फास्ट चार्जिंग चाहिए ना भाई, तब आप यहाँ पर डेफिनेटली OnePlus की तरफ ही जरूर से जाइए। लेकिन एक कमाल की बात बताता हूँ भाई, सैमसंग वैसे ही सिर्फ 25 वोल्ट का सपोर्ट दे रहा है, लेकिन मोबाइल बॉक्स के अंदर आपको चार्जर भी नहीं मिल रहा भाई, वो भी अब आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा भाई। माड़े हाल है सैमसंग वालों के, तो चार्जर बेच बेच के अब ये पैसे कमाएंगे। और नेटवर्क कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स यहाँ पर ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5 mm जैक हमें दोनों फोन्स के अंदर दिया गया है। और अगर हम बात करें स्पीकर्स की तो सैमसंग फोन यहाँ पर सिर्फ सिंगल स्पीकर के साथ में आता है, वहीं दूसरी तरफ OnePlus फोन यहाँ पर स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आता है। और सिक्योरिटी के लिए हमें दोनों फोन्स के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोनों फोन्स की प्राइसिंग की, तो आपको बता दूं कि दोनों फोन्स के 8 प्लस 128 GB वेरिएंट के अप्रोक्स प्राइसिंग है 20
20,000 पे। और दोस्तों जो प्राइसिंग है ना भाई वो ऑफर्स के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होती रहती है, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भाई इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों वैसे तो यहाँ पर भाई दोनों स्मार्टफोन एकदम बढ़िया है, लेकिन फिर भी यार अगर आपको डिस्प्ले कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से एकदम बढ़िया फोन चाहिए तब आप यहाँ पर डेफिनेटली सैमसंग की तरफ ही जरूर से जाइए। लेकिन भाई दूसरी तरफ दोस्तों अगर आपको चार्जर इन द बॉक्स चाहिए तब आप यहाँ पर डेफिनेटली वन प्लस की तरफ ही जरूर से जाइए। तो बस दोस्तों यही थे मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियंस इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए।